ये सीट खाली करनी पड़ेगी, आरएसी वालों को जा चुकी है इन रिटेल। मेरा तो भाई पहलवान कितना ही लड़ता रही, कितना झगड़ता रही हो मुझसे, तेरी ताकत क्या है, सुनो आटा कपड़े। ओ पहलवान तेरे जैसे रोज मिला है मुझे ऐसे पूछूंगा कैंसिल है, उनसे अपना रास्ता पूछूंगी मैं, रास्ता क्या थोड़ा ही बोलेंगे धमकाएंगे पहले रास्ता करो करवा आओगे नीचे जब तो कहूंगी। समस्या इस सीट की है, तुम जितने भी हो चार हो पाँच हो दस हो। नहाना तो ब्रेकफास्ट तो आना पड़ेगा ना गाइस, यहाँ यमुना गंगा सरस्वती तीनों मिलती है तीनों। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो भाई आपको क्या लगता है मैं इस टाइम पे कहाँ पे हूँ? भाई आज मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे भाई तीनों नदियों का जल मिलता है, जो अपनी भारत की सबसे प्रसिद्ध नदियाँ हैं उनका तीनों का जल मिलता है। तो इस बात से आप गेस कर ही सकते हैं कि हम लोग कहाँ हो सकते हैं। भाई हम लोग हैं प्रयागराज के संगम में, यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती जाती हैं। तो भाई हम लोगों ने पूरा उस ब्लॉग को पूरी ट्रिप को कवर किया इस ब्लॉग में, तो बड़ी रही मैं इस ब्लॉग के साथ और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और भाई ब्लॉग पे नया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूरी आना, तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सो हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हरदोई के रेलवे स्टेशन, और भाई आज यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम देखने को मिल रही है। पहले जब दिल्ली गए थे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी, और यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का वर्क। ये जो पूरा हरदोई का रेलवे स्टेशन ये पूरा नया बनेगा फिर से, और अभी टाइम हो रहा है 7:43। भाई एक डिजिट मिस है, एक नंबर होता है ना 9 के आगे वाला, और इनकी कुछ डिमांडें उन्हें आप सुनते हैं पहले। इलाहाबाद इलाहाबाद है, प्रयागराज ही को इलाहाबाद होता है। मैं हिंदी में यार, हिंदी में कैसे लगे कहाँ रहे? पुल पर चल रहे, पुल से चलिए हम लोग। अरे ये सब लोग लेडीज ही कैसे उतर जाए पाई यार, बात मुकर थोड़ा चलो अभी फिर देख ली। अरे यार अरे मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जो तुम मुझे हाथ पकड़ कर रेलवे ट्रैक पार करा रहे हो। क्या रखिए ये पहले रेलवे स्टेशन पे चढ़ गए थे, फिर मुझे हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया। प्रयागराज जंक्शन लो आइए। अबे अजर रब है ये हो क्या ही नहीं लेते, अब बुराई हमारी इनके बस बन जाए। हम ये दो बार कही गए तो कहीं का कहीं जाए मांगा तो वो तो कहते हैं। फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी थी, और भाई ये ट्रेन है ना सीधे हरदोई से प्रयागराज संगम जाएगी। रास्ते में कोई मुझे डबल ट्रेन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। चलिए लेते हैं एंट्री ट्रेन के अंदर और देखते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। आप पहले जैसे कोई सीन तो नहीं बनता भाई, नॉर्मली भीड़ है ट्रेन के अंदर भी, और अपनी ट्रेन निकल चुकी थी सीधे प्रयागराज के लिए, और ये अब है दूसरा दिन। और भाई देख सकते भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा, और मॉर्निंग हो चुकी थी, सीधे सनशाइन मेरे फेस पे पड़ रही थी, इतना अच्छा फील आ रहा था, कुछ कहने को नहीं, ऐसा लग रहा था भाई जन्नत जैसा फील आ रहा था। और अभी भाई ये ट्रेन यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पे है, आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना पॉइंट, ये जो भाई जो ब्लाइंड लोग होते हैं अंधे लोग उनके लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो अपना नंबर आराम से फाइंड कर सके, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे भाई आप सन राइजिंग देखिए, इतना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ये थोड़ा टहल के आते हैं भाई, हम लोग पहुँच चुके थे अभी ट्रेन की गेट पे, और यहाँ पे भाई ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी इसलिए पहुँचा था। भाई ये क्या, ये भी प्रयागराज जा रहा है क्या? पूरी रात एक जगह बैठे बैठे पूरा शरीर अकड़ चुका था, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे खिड़की के पास आ जाता हूँ। भाई यहाँ पे एक से एक व्यू देखने को मिल रहे थे, और अभी मैं काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका हूँ। आई थिंक अभी रह गई 5 मिनट से 10 मिनट की रास्ता रह गई होगी अपने स्टेशन यानी प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन की। गेट पे खड़े खड़े पता नहीं कब अपना रेलवे स्टेशन आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो अब चलते हैं भाई अपने रेलवे स्टेशन पे, उतरते हैं ट्रेन से, और ये रहा पहला कदम मेरा इस रेलवे स्टेशन पे, और ये रहा सामने भाई बोर्ड प्रयागराज संगम। इसे देखने के बाद बस एक ही सीन आ रहा था, जल्दी पहुंचूं घाट पे और भाई स्नान करूं वो उन तीनों नदियों का जिनका संगम प्रयागराज में पाया जाता है। फाइनली कुछ निंजा टेक्निक का प्रयोग करके ऑटो वाले भैया ने अपना ऑटो स्टार्ट कर लिया था। अभी हम निकल चुके हैं सीधे रेलवे स्टेशन से, जा रहे हैं प्रयागराज संगम, जहाँ पे भारत की तीनों पवित्र नदियों का संगम है गंगा यमुना सरस्वती। तो यहाँ पे भाई ऑटो वाले भैया को रुपए दिए और अभी चलते हैं संगम की ओर। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं संगम के घाट पे, बट हम लोग पता है साइड में नहीं नहा सकते हैं क्योंकि साइड में तीनों नदियाँ नहीं मिलती हैं। तीनों नदियाँ मिलती है अभी भाई अंदर घाट बना है, मतलब कि नदी के बीच में वहाँ पे हम लोग पहुँचना होगा। और यहाँ पे क्राउड भी इस टाइम पे नॉर्मली देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे अभी कोई मेला वेला नहीं चल रहा है। इससे पहले हम लोग आए थे जब यहाँ पे महाकुंभ पड़ा था,
तब आए थे हम लोग, उसके बाद अभी आना हुआ है आई थिंक 7-8 साल बाद। तो यहाँ पे क्राउड नॉर्मली देखने को मिल रहा है और आगे मामा जा रहे हैं, बस हम लोग यहाँ पे ढूंढने एक बोट वाले को जिससे जहाँ पे संगम है तीनों नदियों का वहाँ पे हम लोग पहुँच सकें। और भाई बोट के अलावा किसी और साधन से जा भी नहीं सकते वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी बोट खड़ी हैं, और अब बस इंतजार है एक बोट वाले भैया का जो अच्छा खासा रेंट लेके आराम से वहाँ पे पहुँचा दे जो वैल्यू फॉर मनी हो। ठीक है, तो एक भैया मिले ही ये। ये जो सामने बोर्ड देख रहे हैं ये भाई नगर पालिका वालों की है, और ये भाई इसे नदी का कूड़ा निकाला जाता है, फालतू जो वेस्टेज होता है भाई। यहाँ पे मतलब कि बोट वाले इतना स्कैम करते हैं, एक ही डिस्टेंस है और सारे बोट वालों का अलग अलग किराया होता है, मतलब इतना ज्यादा स्कैम करते हैं कुछ कहने को नहीं। वहाँ एक जगह पूछा जहाँ पे मतलब 200 में होता है, और भाई पता है लोग कितने वाली से जा रहे हैं, जहाँ पे 50 रुपये में आना जाना दोनों है, मतलब एक बंदे का, मतलब इतना ज्यादा स्कैम चलता है कुछ कहने को नहीं। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं एक बोट में जो कि डिसाइड हुई थी, तो हम लोग पीछे बैठते हैं यहाँ पे, और पूरा सीन देखिए अभी पहुंचे के बीच में, मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा था यहाँ पे भाई। हेलो, मतलब कि एकदम सटाके बोट निकालते हैं, रगड़ रही है उस दूसरी बोट में, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और बोट मतलब कि हमारी बोट से टकरा रही थी और मैंने इसे धक्का देके साइड में ढकेल दिया। तो फाइनली अपनी बोट चलने को तैयार है और सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ चुके हैं, और ये देखिए भाई पिस्टल लेके आए यहाँ पे भैया, मतलब कबूतर मारेंगे बैठ के यहाँ पे। अभी हम लोग 30% संगम के बीच में पहुंच चुके हैं, और भाई सामने जो डबल कलर में जल देख रहे हैं, इधर का अलग और उधर का अलग, भाई यही संगम है। अभी हम लोग अपने घाट के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, और ये सामने जो आप देख रहे हैं सारी नाव, यही पूरा घाट है, मतलब यहाँ पे कोई जमीन नहीं है, यहाँ पे नाव से ही घाट बनाया जाता है। तो अपने हमने बैग रख दिए यहाँ पे, ये जो पंडित है नीचे हम लोग संकल्प कराएंगे। नमो गंगे महागंगे महादेवत्र वल्लभे वैसे ताम महादेवी भाई यहाँ पे सीन ये होता है, जिस प्लेट में पंडित ने नारियल दिए थे 3 वो सीधे प्लेट डालने को सोच रहे थे, बट पंडित बोला नहीं भाई एक एक नारियल डालना है, प्लेट नहीं डालनी है। सारी नदियों को एक एक नारियल समर्पण करके अब चलते हैं भाई संगम में हम लोग नहाने के लिए। इसीलिए पंडित ने 3 नारियल दिए थे, क्योंकि बिना कुछ चढ़ाए भाई संगम में नहीं जा सकते, या तो पाप लगता है या तो अच्छा नहीं होता। और हम लोग भाई यहाँ पे देख सकते हैं पूरा संगम है तीनों नदियों का, यहीं पे हम लोग जाएंगे नहाने के लिए। चलिए चलते हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ का जल काफी ज्यादा ठंडा था और काफी ज्यादा अच्छा भी था भाई। इसी जल में गंगा सरस्वती तीनों विराजमान है, तीनों का संगम यही है। और अभी हम लोग करते हैं यहाँ पे स्नान, और स्नान करने के बाद आपको लेके चलेंगे अक्षय वट जो कि है पाताल लोक में, और भाई वहाँ की मानता है कि वो अक्षय वट भाई 4 युगों से जैसे का तैसा ही खड़ा है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ, और आपको लेके चलेंगे जहाँ पे बजरंग बली अहिरावण का वध करके आए थे वहाँ भी। संगम नहाना है तो प्रयागराज तो आना पड़ेगा ना गाइस, संगम नहाना है तो प्रयागराज तो आना पड़ेगा ना मेरी जान। भाई पाप तो दुल्ले होते हैं, ट्रिप तो चलती रहती है, पाप भी दुल्ले होते हैं। ठीक है, द्वार में गंगा ही है, यहाँ यमुना गंगा सरस्वती है, तीनों मिलती है तीनों। इससे पहले भाई हम लोग पता कब आए थे, ये मेरा दूसरी बार ट्रिप है यहाँ का, 2016 में आए थे। 2016 में भाई तो महाकुंभ पड़ा था यहाँ पे, ठीक है, पहली बार महाकुंभ पड़ा था, और यहीं पर पहले भी नहीं आया था, और भाई फिर से आना हुआ है शायद 7-8 साल बाद। तो भाई ये किस्मत होती है कि एकदम घर पे बैठे और आपको ऑफर मिल जाए कि हाँ चलो संगम चल रहा है, मन भंग कर रहा है। अच्छा भाई किस किस का सपना है प्रयागराज आने का, ठीक है, तो वो कमेंट में जरूर बताइए, शायद भगवान ने आपकी सुन ले। मैं तो अभी प्रयागराज में हूँ, मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी काम कर रही है, क्योंकि भाई मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। मेरा मन तो वैसे कहीं और का था, मैं बता नहीं सकता, बट ऑफर मिला भाई, और यहाँ के लिए मना भी नहीं कर सकता। अभी तो हम लोग यहाँ पे हैं और सामने कुछ जनाव देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम लोग के बैग और कपड़े सारे रखे हुए, पे मामा भी वहीं पे खड़े हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा अच्छा भाई आए तो थोड़ा नहा के जाते हैं, तो भाई फिर चलते हैं। ठीक है, आप यहाँ की लहरें देख सकते हैं, बिल्कुल मैं फ़ोन को लहरों से सटा के ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। चेक आउट दिस गाइस।
पहली डुबकी गंगा जी की, दूसरी डुबकी यमुना जी के नाम पे, सरस्वती के नाम पे। टीपीएल 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 है, 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 आपको मेरे ब्लॉग में कोई भी आर्टिफिशियल सीन देखने को नहीं मिलेगा, जो भी है एज इट इज वो देखने को मिलेगा। मैं तो सब नहा रहे भाई, देखो पावर देख रहे मेरा। अरे यार आगे जा रहे हैं देखो यार। अभी हम लोगों को काफी देर हो गई स्नान करते हुए, अभी चलते हैं हम लोग वापस, सारे लोग इंतजार भी कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी बोट पे, जिस बोट से हम लोग आए थे, और फिर चलते हैं घाट के किनारे, फिर चलेंगे भाई अच्छे बट पातालपुरी में जो बना हुआ है, फिर वहां से चलेंगे जहाँ पे भाई बड़े हनुमान जी है वहाँ पे। भाई आपको जो अच्छे बट है ना जो पातालपुरी में बना हुआ है, उसके आपको भाई नया नया रहस्य आपको बताएंगे जितना मुझे पता है, ठीक है? तो बनी रहिए लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग के साथ। भाई स्किप ना करना प्लीज़, ये ब्लॉग मैंने डाला है इसीलिए डाला है, काफ़ी कट कट करके डाला है, क्योंकि आई थिंक ये 1 घंटे 17 मिनट का पूरा ब्लॉग बन रहा था, बट मैंने इसे इतना कट किया है कि जो देखने वाला बंदा है उसे ज़्यादा बोरनेस ना आए, और जितनी भी यहाँ की महिमा है वो सारी पता लगे उन्हें। और भाई मेरी YouTube फैमिली जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? और भाई लाइक और कमेंट करके जरूर जाना है भाई, कुछ भी जैसा भी कमेंट आपको करना है, कुछ मैं भूल रहा हूँ या कुछ मुझे नया बताना है, कुछ या कमी रह रही है मेरे ब्लॉग में, वो सारी मेंशन करके जाना, क्योंकि भाई आपके हर कमेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। प्रयागराज संगम में गवर्नमेंट ने सारी स्टीमर वाली बोटों को बैन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको नॉर्मली बोट देखने को मिलती हैं, और ये सामने जो आप खड़ी देख रहे हैं बोट, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर यूज़ करते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घाट के किनारे, और अभी यहाँ से चलेंगे अक्षय बट, फिर चलेंगे बड़े हनुमान जी के मंदिर। बड़े हनुमान जी का मंदिर का ये रहस्य है कि वहाँ पे भाई अहिरावण का वध करके, अहिरावण को मुर्छित करके हनुमान जी रेस्ट करने के लिए बैठे थे, और फिर आराम करने के लिए वहाँ पे लेट गए, इसलिए वहाँ के बड़े हनुमान जी को लेटे हुए प्रतिमा या मूर्ति बनी है वहाँ पे। अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं, बने रहिए बस लास्ट तक मेरे ब्लॉग के साथ। यहाँ पे देखिए भाई गाड़ी में ही अपना पूरा घर बसा लिया, चारों तरफ भाई कपड़े कपड़े। सामने जो आप किला देख रहे हैं ये भाई अकबर का किला है, यहाँ पे अकबर ने और कई मुगलों ने यहाँ पे राज किया, और यही रास्ता है पातालपुरी की, और इसी महल में कैद है अपना अक्षय भट्ट। अक्षय भट्ट पहले मतलब कि यमुना नदी के किनारे हुआ करता था, बट मुगलों ने उसे अपने महल के अंदर कैद कर लिया था। जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं यही रास्ता जाता है अक्षय भट्ट के लिए, और अक्षय भट्ट मतलब कि साइड में बना है, और पूरा महल लेफ्ट साइड में और अक्षय भट्ट राइट साइड में, और देख सकते हैं यहाँ पे मुगलों का महल भाई पुराने जमाने के सीन है, तो ऐसे ही होता है, ऊंची ऊंची दीवारें और थोड़ी सी पतली सी गली, और इन्हीं के अंदर से आना जाना सबका लगा रहता है अक्षय भट्ट के दर्शन के लिए। और यहाँ की दीवारें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऊंची है, पूरा मतलब पत्थर से बनाया ना पुराने जमाना महल है, और बताया जाता है इस महल पे काफ़ी मुगलों ने राज किया है, बट जो अकबर थे उन्होंने ही अक्षय भट्ट को अपने महल के कैद में कैद कर लिया था। और ये जो आप सामने देख सकते हैं ये रहा पूरा अक्षय भट्ट, जो कि चारों युगों का साक्षी है, और इसके बारे में कई सारी रहस्य हैं जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। मुगलों ने कई बार इसे जलाने की भी कोशिश की, बट अंतिम समय में ये अपनी शाखा से फिर से अंकुरित हो जाता था। मुगलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस अक्षय भट्ट को नष्ट करने की, फिर भी इसे नष्ट ना कर पाए, और अभी भी ये जैसा का तैसा हरा भरा खड़ा है। अभी हम लोग चलते हैं अक्षय भट्ट के नीचे बने मंदिर में, जहाँ पे तरह तरह भगवानों की सारी प्रतिमाएं विराजमान है, शनि देव और सत्यनारायण भगवान और काफी अलग अलग भगवानों की प्रतिमा वहाँ पे विराजमान है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है, और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं नीचे। नीचे की एक अलग रहस्य कथा है, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बैनर लगा, आपको सीधे उसी के फोटो दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। तो भाई यहाँ पे हर एक चीज़ की एक अलग महिमा और अलग ही रहस्य से वो हर चीज़ जुड़ी हुई है, और यहाँ पे जितने भी देवी देवता है आप देख रहे हैं ना, वो सारे अकबर ने यहाँ पे जितने भी मतलब कि उसने जब महल बनवाया था ना, तो इसके एरिया में जितनी भी प्रतिमाएं आ रही थी वो सारी इसी नीचे अंडरग्राउंड मंदिर में कैद कर दी थी, और अभी सारी वो अलग अलग रख के और उनको दर्शन करने के लिए खोल दिया गया है। और यहाँ पे जितने भी भगवान है सबका नाम लिखा हुआ है, और ये जो बैनर देख रहे हैं आप नीचे जो येलो कलर का एरो दिख रहा है, इन्हीं पे आपको अभी दिखाएंगे मतलब कि जो यहाँ की रहस्यमयी कथा है उसके बारे में। तो अभी आप दर्शन कीजिए ये भगवान है, और ये जो आप बैनर देख सकते हैं पूरा पढ़िए।
फिर आपको यहाँ के रहस्य के बारे में पता चलेगा। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ बैनर, आप यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके पूरा पढ़ सकते हैं। और ये जो है ना, ये है सनी देव की दिव्य ज्योत भाई। ये पूरा जो दिया है तेल से भरा हुआ था और दीपक जल रहा था, और ये सारे भाई ऊपर से रोशनदान टाइप के बने हैं जहाँ से नीचे रोशनी जाती है और मतलब कि नीचे ऑक्सीजन बना रहता है। और इसकी भी अलग कोई महिमा होगी मुझे। यहाँ पे दर्शाया गया है कि अक्षय वट की चारों दिशाओं में दूरी 5 कोस की मानी गई है, मतलब चारों दिशाओं यहाँ से 5 कोस की ही दूरी पे हैं। और भाई अगर यहाँ पे अगर आप अक्षय वट की परिक्रमा करते हैं तो आपको पूरे ब्रह्मांड की या ऐसे मान लें चारों पांचों कोस की आपको पुण्य यहीं पे मिलता है अगर इसकी परिक्रमा करते हैं। और हम लोग आ चुके हैं अभी अक्षय वट से बाहर, और यहाँ पे देखिए यहाँ जो अकबर महल बना हुआ था वहाँ की मुद्राएं हैं, पुराने ज़माने की अलग अलग तरीके की मुद्राएं आप देख सकते हैं। जिस तरीके की मुद्राएं भाई मैंने तो इससे पहले देखी नहीं भाई, भर भर के आई थिंक यहाँ पे खजाना टाइप का निकला होगा, तो यही सारी यहाँ पे मुद्राएं निकाली गई और यहाँ पे सेल हो रही हैं। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं बाहर से, वो अपनी याद के तौर पर यहाँ से ये मुद्रा ले जाते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर में। पूरे विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा आपको लेटे हुए मिलेगी। और इसके आगे की कहानी ये है कि राम रावण का युद्ध चल रहा था, तब हनुमान जी ने रावण को मारने के लिए पातालपुरी गए थे। वहाँ से जब वापस आ रहे थे हनुमान जी तो वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए वो प्रयागराज संगम के तट के किनारे ही विश्राम करने के लिए लेट गए थे। अभी से प्रयागराज में हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा विराजमान है। और भाई यहाँ की इतनी ज़्यादा मान्यता है कि यहाँ की हर कोई मांगी हुई विश हमेशा पूरी होती है। और देख सकते हैं यहाँ पे दो हम लोग ऊपर खड़े होते हैं और नीचे वाले भी एक पोर्शन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सीन भी अच्छा आ रहा था। तो हम लोग अभी हनुमान जी के दर्शन करके निकल चुके वापस और आ चुके हैं अभी रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। और भाई ट्रेन में ऐसा सीन होता है कि इससे पहले तो ना हुआ है ना मैं आगे कुछ देखना चाहता हूँ क्या होता है। लास्ट तक बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। चीटिंग करता है तू, पता नहीं कहां से आए थे छोरे लोग जो कि मेरी चीटिंग कर रहे थे। चलो मुझे क्या, छोड़ो मैं चलता हूं अपने रेलवे स्टेशन की साइड पे। और भाई यहां पे मिलती है एक छोटी सी क्यूट सी पापा की परी, ये देखो कैसे मटक मटक के चल रही है। और भाई ये पता क्या ढूंढ रही है, अपनी बॉल जो कि पड़ी है बैग के पास में, और इसे लगा कि आगे गई, फिर इसके पापा ने उठा के बॉल को फेंक दिया सामने। और भाई स्टेशन में मस्त मनोरंजन करा रही थी ये, और सब लोग देख रहे थे भाई, इसे देखते सारे लोग हंस रहे थे, ये देखो कैसे जहाँ कर रही है ये। अब पूरे फेस पे भाई पाउडर ही पाउडर लगा है। इधर हो चुका था भाई बड़ा पंगा, माथोर की नौबत आ गई। रेलवे स्टेशन में बैठे बैठे काफी ज्यादा भाई भूख लग रही थी, इसलिए हम लोग ढूंढते ढूंढते रेलवे स्टेशन से भाई 8 से 7 किलोमीटर दूर आ चुके हैं ये कैफे में बैठ के कुछ खाने के लिए। रास्ते में भाई कुछ भी नहीं मिल रहा था, और भाई अगर मिल भी रहा था भाई सब कुछ नॉन वेज था, और भाई फिर भी जो मिला भाई अच्छे मिला। इधर फिंगर और हम 2 बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी हम लोगों ने थोड़ा काम चलाने के लिए, क्योंकि भाई पेट तो सिर्फ खाने से ही भरने वाला है, और जब इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो भाई खा के जाएंगे ही। तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और बर्गर 2 बर्गर एंड ये फिंगर चिप्स मंगाए थे। और ये कुछ बर्गर सिंह नाम करके कुछ कैफ़े है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रेटिंग है, मैंने देखा था ऑनलाइन। फिर यहाँ से 1 बर्गर पैक करा के हम लोग चलते हैं अपने रेलवे स्टेशन पे वापस। और यहाँ पे ऑटो में बैठ के हम लोग कर रहे थे थोड़ी सी किमिया, और ये देखिए जो यहाँ का टैग था उसे हम लोग छुटा के यहाँ से और चिपका देते हैं ऑटो वाले भैया के ऑटो पे। और ये रहा मिशन हम लोगों का सक्सेसफुल, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं वापस। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अभी रेलवे स्टेशन पे, और ये देखो 7-8 किलोमीटर दूर जाके लेके आए हैं 120 रुपये का बर्गर। और फाइनली हम लोग की ट्रेन आ चुकी थी, और हम लोग अब निकलते हैं अपने हरदोई अपने घर के लिए वापस। वो रही सामने ट्रेन, और हम लोगों की सीट भी इस बार कन्फर्म है, और अभी ट्रेन निकल चुकी थी, हो चुकी थी रात। ये देखो भाई कैसे खेल रहे हैं बच्चों की तरह, ये ले जो लाइट लेके आए हैं अपनी घरवाली के लिए। मान जाओ अगर पुलिस वाले आ गए तो 500 का जुर्माना लगेगा। ट्रेन में बैठी थी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तब तक ही देखा सामने में से चाय वाले भैया आ रहे थे। भाई चाय वाले भैया को आवाज़ दी के वापस बुलाया, और यहाँ पे लेते हैं गर्मा गर्म भाई चाय। चाय भाई यहाँ की रेलवे स्टेशन की इतनी तगड़ी थी भाई, इलायची पड़ी थी मस्त, मतलब कि मज़ा आ गई चाय पी के। पेटीज तो सब ट्राई करते हैं भाई, हम लोगों ने इस चाय ट्राई की है, और भाई चाय का स्वाद था ना कसम से बोल रहा हूँ, लिटरली भाई मज़ा आ गया। मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी चाय होगी यहाँ पे, इलायची इलायची सब कुछ पड़ा था, और काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म चाय थी ये, ऐसा भी नहीं ठंडी थी। ये देखो कैसे मुस्करा रहे हैं, मान जा भैया चाय पी लो पहले। यहाँ पे टीटी आया था टिकट चेक करने के लिए, फिर भाई होता है मेरे डब्बे में एक बड़ा पंगा, आप देखिए किस तरीके से लड़ाई होती है। लखनऊ से बैठेगा वो सीट तुम्हारे लिए रखी जाएगी क्या? पढ़ ले, कहाँ से टिकट है तेरा, बोर्डिंग कहाँ से?
हाँ हालांकि रेल भैया मेरे किसी और टीम का आता है ये सीट खाली करनी पड़ेगी आरएसी वालों को जा चुकी है इन रिटेन मेरा तो ओ भाई पहलवान कितना ही लड़ता रही कितना झगड़ता रही हो मुझसे लड़ता रही झगड़ता रही मेरे पास मैं चार्ट प्रिपेयर का क्या तो टिकट कहाँ से चलता है तो खाला की रेल नहीं है मेरे मेरे ताकत के यार सुनो आटा कपड़े देखा हाथ कंगन को आरसी के यार पढ़े लेरों को फारसी के आपको हट के दिखाऊंगा तेरे चल भाई हो जाओ ऊपर वाली सीट पर बैठे भी अंदर टिकट देखो मुझे ओ पहलवान तेरे जैसे रोज मिला मुझे ऐसे अकाउंट नंबर तो नीचे पूछो मैं फिलहाल कैंसिल है उनसे अपना रास्ता पूछो मेरा रास्ता क्या देखो झूठ बोल के थोड़ा ही नहीं रास्ता थोड़ा ही बोलेंगे धमकाएंगे पहले मेरी सीट है कहीं से बैठूं चलो जो भी हुआ फिलहाल आगे की तो नहीं बोला नहीं बोला है मैंने तुम अपने शब्दों पे कायम ना हो तो कहाँ कायम रहोगे यहाँ और भी चार रात सुन लगे या तुम ही अपना भी कहाँ जाना है तुम्हें दूर के सफर में जाना अपना रास्ता करो रास्ता करो आओगे नीचे अभी तो करवाओगे नीचे तुम इनकी खाली करो अपनी तुम्हारा सही है तुम्हारे आने की जरूरत नहीं नहीं आ जाने तो भाई को हो सके वैसे मददारी में चाहे कितना ही आओ तुम्हारी गाली नहीं कराऊंगा भाई ये समस्या इस सीट की है भाई तुम जितने भी हो अपना बात करो चार हो पांच हो दस हो ये नहीं थोड़ा ही हो रही बात कौन है सीधे मुंह बात नहीं करना पर धमका से दे रहा आदमी कौन सी लगा सीट नहीं करूंगा खाली इसी की बता रहे हैं पिछले पीठ में कर रहा कौन कह रहा मेरी मर्जी में पैसे बैठू बैठे लखनऊ से हां 200 किलोमीटर गाड़ी चली आए चार्ज देगा दूसरों को बेवकूफ चार्ज दिखाओ भाई तुम्हारी कैंसिल हो रखी नहीं हो रखी भाई बैठो आज स्टेशन से ही लड़ाई देखने को मिल रही है बट इन्हें कोई मतलब नहीं ये तो अपने फोन में भेजी है और ये अंकल देखो भाई फोन में ही अपने मगन है दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और ये देखो भाई यहाँ पे दोस्तों से वीडियो कॉल चल रही है भाई ट्रेन में आए हो तो नया दोस्त बनाया कर हम लोग जहाँ पे पहले बैठे थे वो हम लोग की सीट कन्फर्म नहीं थी जो ये अभी आए हैं ये हम लोग की सीट कन्फर्म है इसलिए हम लोग इसे फोल्डिंग से अपनी सीट बना रहे हैं फिर यहाँ पे लेट के आराम से पूरा सफर को तय करेंगे आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग भाई कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि आपके हर कमेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और भाई चैनल पर नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जानना ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे जल्दी से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।